हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखेंगे बयोन्सी फोर्स के बारे में, बयोन्ट फोर्स जिसको बोलते हैं। बयोन्ट फोर्स एक्चुअली में क्या होता है ना, कि जब भी किसी बॉडी को, मतलब बॉडी होगी तो डेफिनेटली कोई सॉलिड बॉडी ही होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको जब भी आप किसी फ्लूड में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी फ्लूड की सरफेस पे रखते हैं, फ्लूड मतलब ऐसी चीज जो फ्लो हो सके। तो देखो, एयर भी फ्लो हो सकती है और कोई लिक्विड भी फ्लो हो सकता है। जनरली हम वाटर के केसेस में लेते हैं, क्योंकि जो सब जगह लिक्विड मिल जाए वो क्या होगा, वाटर। तो हमने देखा है कि जब भी किसी बॉडी को हम पानी में डिप करते हैं तो हमें उसका वजन जो है थोड़ा सा कम महसूस होता है। मान लो 5 किलो की कोई चीज है, आपको लगेगा 5 किलो से थोड़ा कम है, मतलब आप उस चीज को जो उठा रहे हो ना, थोड़ा सा हेल्प पानी भी कर रहा है उसको उठाने में। पानी क्यों कर रहा है उसको समझते हैं। देखो क्या है कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी हवा में है, कोई भी बॉडी है ये हवा में है और यहां पे पानी भरा हुआ है। जब क्या होगा, इस बॉडी को मैं इसमें डिप करने की कोशिश करूंगा, इसको सबमर्ज करूंगा, तब ये यहां जगह बनाने की कोशिश करेगी। ये बॉडी जब यहां नीचे आएगी तो ये जगह बनाने की कोशिश करेगी। मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये बॉडी भी इंसर्ट हो गई और पानी का लेवल भी वहीं का वहीं रहा, ऐसा तो नहीं रहेगा। जब ये बॉडी यहां पर आएगी तो पानी का लेवल थोड़ा सा जो है इससे अप जाएगा, मतलब जो ये लेवल यहां है इससे थोड़ा सा ही लेवल अप जाएगा, बिल्कुल हल्का सा। डिपेंड करता है कि बॉडी की साइज क्या है, उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम क्या है। ऊपर चला गया, ये पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया है। अब हमें पता है कि जब पानी का लेवल ऊपर जाएगा, मतलब पानी की हाइट बढ़ी है, तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी MgH जो है वो इंक्रीज हो गई। हम ये भी जानते हैं कि जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है। अब इस सिस्टम को जो कि स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, उसके लिए अपनी हाइट को वापस कम करनी पड़ेगी। मतलब यहां जो पानी है ना, वो चाहेगा कि नहीं, मेरे को तो वापस पहले जैसा ही आना है, वो जोर लगाएगा इधर, वो वापस आने के लिए जोर लगाएगा। और अगर ये जोर जो लगा रहा है ये इस बॉडी के वेट से, बॉडी के पूरे वेट से अगर ये ज्यादा हो गया तो बॉडी ऊपर चली जाएगी। अगर ये जो फोर्स लगा रहा है पानी वापस यहां आने के लिए, ये बॉडी के वेट के बराबर है तो बॉडी यही रहेगी। और अगर जो ये जोर लगा रहा है पानी वापस अपनी जगह आने के लिए, ये बॉडी के वेट से कम रह गया तो बॉडी नीचे चली जाएगी। तीन कंडीशन है, देखो वापस से समझो इन चीजों को। मान लो बॉडी का कुछ मास है एम, इसकी वजह से बॉडी का वेट होगा वेट इक्वल्स टू एम जी। अब अगर हम ये चाहते हैं कि बॉडी जो यहां पर है वो यहीं फ्लोट करे, यहीं तैरे, वो उसके लिए इसके ऊपर एक और फोर्स लगना चाहिए जो कि एम जी के बराबर हो। एक और फोर्स लगना चाहिए जो कि कितना हो, एम जी के बराबर हो। इसको मैं एफ टी बोल रहा हूं, अपथ्रस्ट फोर्स। तो यहां पर अगर इस बॉडी को फ्लोट करना है ना, तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये इक्वल्स टू इसके वेट के होना चाहिए, एमजी के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां पर हो क्या रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, पानी। मतलब पानी जो जोर लगा रहा है ना वो इसके वेट के बराबर लगा रहा है, तो क्या करेगा ये फ्लोट कर जाएगा। यस, ये कर जाएगा फ्लोट। ठीक है, अगर किसी वजह से ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये कम रह गया एमजी से, वेट ऑफ बॉडी, ये जो एमजी से मैं बता रहा हूं ना, एमजी देखो वेट ऑफ द बॉडी से बता रहा हूं मैं, बॉडी के वेट से कम रह गया तो ये क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। ठीक है, अब एक और केस है, आप बोलोगे कि क्या हो अगर ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है ज्यादा हो गया एमजी से, मतलब बॉडी के वेट से भी ज्यादा हो गया, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग गया, तो क्या आप रोक रहे हो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के, नहीं रोक रहे। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि एफ टी इक्वल टू क्या नहीं हो जाए, एम जी। मतलब फ्लोट होने के लिए जो कंडीशन है ना वो ये है, अगर ये हो गया तो ये तब भी फ्लोट करेगी, लेकिन इसी कंडीशन में फ्लोट नहीं करती रहेगी, वो यहां जाएगी। मतलब जब तक वो बॉडी ऊपर जाती रहेगी, जब तक कि उस पर एफ टी इक्वल टू एम जी ना हो जाए, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ना हो जाए। यहां से एक बहुत स्पेशल बात निकल के आती है कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि बॉडी किसमें होती है, इक्विलिब्रियम में। ये ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी फ्लोट कर रही है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में हो गए, क्योंकि उस पे जितना फोर्स नीचे लग रहा है उसके मास की वजह से और ग्रेविटी की वजह से, यानी कि वेट इक्वल्स टू एफ टी होगा। अब
अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि कितना अच्छा होता कि ग्रेविटी नहीं होती, वेट ही फील नहीं होता। अगर देखो वेट फील नहीं होता ना, तो यही वेट इस पानी को भी फील नहीं होता। ये जो पोटेंशियल एनर्जी में जी जीरो हो जाता तो क्या पानी वापस नीचे आना चाहता? नहीं आना चाहता, और उस केस में बयोन्सी फोर्स भी नहीं होता। तो बयोन्सी फोर्स तब तक है जब तक ग्रेविटी है, वरना बयोन्सी फोर्स भी नहीं होगा, है ना? एक्शन रिएक्शन वाला समझ लो आप इस चीज। तो ऐसा समझो कि जब किसी बॉडी को फ्लोट करना है तो ये कंडीशन फॉलो करनी हो, जब ऐसा होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा और वो बॉडी किसमें होगी? इक्विलिब्रियम में। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा और डिप करूंगा तो पानी का लेवल थोड़ा और ऊपर जाएगा, पानी का लेवल थोड़ा और ऊपर जाएगा तो और ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो और ज्यादा बयोन्सी फोर्स डेवलप होगा। ये चीज आपको समझ में आती है एक चीज। उसके अलावा देखो एक और चीज समझना कि यहाँ पानी की जगह कोई और डेंसर लिक्विड हम रख दें, शहद वगैरह ऐसा कोई डेंसर लिक्विड है, तो उसका मास ऑलरेडी ज्यादा होता है तो वो और ज्यादा जोर लगाएगा यहाँ आने के लिए। अब जो ये मैंने लास्ट के पॉइंट बताया, इनको समझने के लिए हमें एक्चुअली में बॉयंट फोर्स को समझना जरूरी है कि एक्चुअली में बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार वापस से समझो कि बॉयंट फोर्स लगा क्यों। बॉयंट फोर्स इसलिए लगा क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने इस पानी में अपनी कोई जगह बनाई और उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा इस पानी को लेवल राइज करके। तो वो जो राइज हुआ हुआ पानी है वापिस अपनी जगह आना चाहता है, और वो जो अपनी जगह आना चाहता है उसकी वजह से जो फोर्स लगा था ना कंबाइंड, उसी को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो ये जो बॉयंट फोर्स लगा, ये लगा पानी के डिस्प्लेस्ड होने की वजह से, पानी के डिस्प्लेस होने की वजह से। डिस्प्लेस किसकी वजह से हुआ? इस ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ, और ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ को भी मैं पर्टिकुलर करूंगा आगे चल के। बॉयंट फोर्स जो एफ टी होगा वो होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। यहां तक हमें समझ में आया? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एम एल इंटू जी, ठीक है। अब एक और चीज हमें पता है, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये याद कर लेना डेंसिटी वाला, वरना डेस्टिनी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी क्या लेता हूं मैं, रो एल लेता हूं, ये रही डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको रो से बताते हैं, और एम इक्वल्स टू वी रो, और ये जी है यहां पर, ठीक है, ये अपसरण फोर्स चल रहा है। अब इसको थोड़ा प्रिसाइज करते हैं। देखो पानी जो डिस्प्लेस हुआ ना, वो हुआ है जितनी बॉडी पानी के अंदर गई उसकी वजह से। इस पानी को कोई मतलब नहीं है कि ये बॉडी यहां तक होती, डायरेक्टली तो मतलब नहीं है, इनडायरेक्टली होगा क्योंकि अगर बॉडी यहां तक होती तो इस बॉडी का मास बढ़ जाता, ये ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करती। पर उस बिल्कुल डीप में मत जाओ, ये समझो कि पानी को हटाने का काम किया बॉडी के उस पार्ट में जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड है विद वॉटर। तो यहां का हिस्सा पानी के कॉन्टेक्ट में, मान लो कि इसका एरिया जो है वो है ए, और ये गया है डी डेप्थ तक अंदर, यहां तक ठीक है। तो मतलब ए एरिया और डी डेप्थ का ही बॉडी जो है अंदर गई है, इसको बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इन द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो वी एल निकला, ये जो पानी निकला ना डिस्प्लेस करके, ये इसी पोर्शन की वजह से निकला। मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, ये बोल सकता हूं। और यहां पे इसको रिप्लेस कर सकता हूं वी इन रो एल जी एफ टी। बहुत सारे लोग ये भी याद कर सकते हैं कि बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी, ये बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला हो गया, वी रो जी कितना याद रह जाएगा ये समझ के चलो इसको आगे। अब देखो वी इन हमें निकालना है, तो वी इन कितना होता है एरिया इंटू कितने डेप्थ तक है, एरिया इंटू लेंथ रो एल इंटू जी, ये आ गया एफ टी, ये हो गया भाई साहब एफ टी, ठीक है। अब अगर मेरे को इसके मास से भी रिलेशन निकालना है ना, मैं निकाल सकता हूं यहां पर, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। दोनों में से जो भी अच्छा लगता है याद कर लो। v रो g में ये जरूर याद रखना कि रो जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसमें डिप किया जा रहा है, और v जो है वॉल्यूम इमर्ज्ड है, ना कि पूरी बॉडी का वॉल्यूम। ये v इन जो है, ये v इन ऐसा नहीं है कि कभी भी पूरी बॉडी के वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। जब पूरी की पूरी बॉडी सबमर्ज्ड होगी ना, तभी ये v इन टोटल बॉडी के बराबर होगा, टोटल बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा है कि जो बॉडी है 50% डूबी हुई है, 100% डूबी हुई है, या थ्राइस अंडर है, ट्वाइस बार, ऐसा लिखा आएगा। वहां बड़ा ध्यान से समझना इसको। जैसे बर्फ होती है लगभग फुली सबमर्ज्ड होकर ही तैरती हो, लेकिन ग्लेशियर होता है बहुत हिस्सा उसका बाहर होता है, बहुत सारा अंदर भी होता है, वैसा समझना इसको।
ठीक है, एक और चीज की अगर मैं बात करूं यहां पर, मास का रिलेशन अगर मैं निकालूं, काम आता है कई जगह मास का रिलेशन। हमें पता है कि अगर ये बॉडी फ्लोट हो रही है, फॉर फ्लोटिंग बॉडी, बॉडी क्या होगी, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब अब थ्रस्ट फोर्स जो है इसके वेट यानी कि एमजी के बराबर होगा। अब थ्रस्ट फोर्स तो हमने ये निकाल लिया, या तो ये इक्वेशन वन रख दो या इक्वेशन टू रख दो, कोई इशू नहीं है। ये भी रख सकते थे आप, ये भी रख सकते थे, कोई इशू नहीं है। अगर मान लो मैं ये रखता हूं तो वी इन और रो एल जी इक्वल्स टू एम जी, ये लिख सकता था, जी से जी कट गया। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या चीज है, मास ऑफ बॉडी इक्वल्स टू वॉल्यूम इमर्ज्ड और इनटू रो एल, ये भी मैं लिख सकता हूँ, कई जगह काम आ जाता है। मतलब इसके अलावा यहां से भी लिख सकते हो कि ए डी रो एल इक्वल्स टू जी, ये भी आ गया कि मास का फॉर्मूला क्या आ गया, ए डी रो एल, ये भी आ गया मास का फॉर्मूला। एक और देखो, इससे भी निकाल सकते हैं हम, इससे इस एफ टी वाले से भी, कि यहां पर एफ टी में रखा मैंने मास ऑफ लिक्विड इंटू जी इक्वल्स टू यहां पे मास ऑफ सॉलिड इंटू जी, ये कट गया। ये बहुत ही एक अलग ही फॉर्मूला आया कि पूरी बॉडी का मास ही इक्वल्स टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यहां से मैं बोल पा रहा हूं कि ये जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ ना, सिर्फ ये झेल रहा है पूरी बॉडी के मास को, इसको पूरी बॉडी के मास से मतलब नहीं था, इसको तो बस वॉल्यूम से मतलब था, बाकी ये पूरी बॉडी के मास को झेल रहा है। यहां से हम समझेंगे, देखो डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं बता पा रहा था ये सारी चीजें। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि अगर इस बॉडी का वॉल्यूम मैं बढ़ा दूं, मास यही रखते हुए इस बॉडी का वॉल्यूम मैं बढ़ा दूंगा ना, तो इस पे बॉयंसी फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा। यही किया जाता है शिप में, शिप में यही करते हैं। आप सोचो कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और लोहा जिसका कि शिप बना हुआ है, उस वो तो मेटल है, डेंसर है, सॉलिड है, उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, फिर भी वो शिप अपने साथ इतना सामान लेके कैसे चला जाता है। हम बेवकूफ बनाते हैं पानी को, क्या करते हैं कि कंपनी के पास एक फिक्स होता है कि भैया ये शिप है और इसको तैराना है, मतलब इसकी डेंसिटी पानी से कम रखनी, काफी कम, क्योंकि शिप को अकेले नहीं चलाना, उसमें बहुत सारी चीजें भी भरी जाएगी, उसमें उसको डेंस बनाया जाएगा। तो क्या करते हैं कि शिप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे जो शिप होता है ना, आपको ऊपर जितना बड़ा शिप दिखता है ये इतना, जैसे मान लो ये है, तो इतना तो पानी में डूबा होता है वो, ये डूबा हुआ जो हिस्सा है ना शिप का, यही बोयलेंसी प्रोवाइड कराना होता है शिप को। जितना लोडेड करोगे ये शिप, जितना लोडेड होता जाएगा उतना ज्यादा जो है ये शिप पानी के अंदर जाता जाएगा बोयोन्सी बढ़ाने के लिए। अब यहां से ऐसा समझो कि इसकी डेंसिटी करने कम, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इस डेंसिटी को मुझे पानी की डेंसिटी से कम करना है, मास तो मुझे रखना है कि एक आइडिया होता है कंपनी को कि हमारा जहाज इतना बड़ा बनना चाहिए, उसमें इतनी लोडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो मास का तो उनको आइडिया होता है। वॉल्यूम को क्या करो, इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ कि डेंसिटी क्या होती जाए, कम होती जाए। यही कंसेप्ट होता है बोयंसी का। नेक्स्ट क्लास में 11th का टॉपिक आएगा प्रॉपर, एक एसएचएम का मैं वीडियो बना रहा हूं, तो सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, बाय बाय।